हमारी धरती गोल क्यों है? ये प्रश्न तो आपके दिमाग में आता ही होगा, लेकिन इसका उत्तर पूरा नहीं मिल पाता है। दोस्तों, हम जब धरती पर खड़े होकर धरती को चारों तरफ से देखते हैं, तभी हमको ये चपटी नजर आती है, लेकिन वास्तविकता की नजर से देखें तो वास्तविकता कुछ और है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। पृथ्वी गोल है कहना आज जितना सरल और सही लगता है, आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व पृथ्वी को गोल कहना उतना सरल और सही नहीं लगता था, क्योंकि तब हम पृथ्वी को सपाट मानते थे। ऐसा नहीं कि पृथ्वी को सपाट मानने के पीछे हमारे पास कोई तर्क नहीं थे। दोस्तों, कई शताब्दियों से मनुष्य को लगता है कि धरती का आकार चपटा है, और वो इसके लिए कई तर्क भी देता आया है। दोस्तों, मनुष्य अब अंतरिक्ष में भी जा चुका है और वो वहां से धरती के आकार को भी देख चुका है, और ये सिद्ध हो गया है कि पृथ्वी गोल है। दोस्तों, पृथ्वी घूमते समय हमें महसूस क्यों नहीं होता कि पृथ्वी गोल है? हमारी पृथ्वी एक निर्धारित गति से अपनी धुरी पर घूम रही है, और हम भी उसके साथ उसी गति से घूम रहे हैं, इसलिए हमें हमारा घूमना महसूस नहीं होता है। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो निश्चित ही हम उस गति को महसूस कर पाएंगे। पृथ्वी अपनी धुरी पर फाइटर प्लेन की लगभग दुगुनी होती है, 1600 kph, ये बहुत तेज गति होती है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम ट्रेन या हवाई जहाज से यात्रा कर रहे होते हैं और जहाज एक समान रफ्तार के बिना किसी रफ्तार के चल रहा है, तो हम आसानी से एक कप में चाय डाल सकते हैं, क्योंकि चाय और कप सब जहाज में हम एक गति से गति कर रहे हैं। अगर जहाज या ट्रेन अपनी गति में बदलाव करे या कोई रुकावट आए या एकदम ब्रेक लगा दिया जाए तो हमें महसूस होगा। हम मान सकते हैं कि पृथ्वी एक गति से अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण ही हम उस घूमती हुई पृथ्वी को महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हम उस गति से पृथ्वी के साथ घूम रहे हैं। दोस्तों, अगर पृथ्वी गोल है तो नीचे की साइड के लोग गिरते क्यों नहीं? दोस्तों, धरती बॉल की तरह गोल होती है, मगर साथ ही उसमें गुरुत्व शक्ति होती है। ये गुरुत्व शक्ति सारी चीजों को धरती के केंद्र की ओर खींचती है, इसलिए सारी चीजें धरती पर रहती है। आसमान, हवा, पानी, सागर, झील, इंसान और जानवर सब धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण धरती पर रहते हैं। इस बात को न्यूटन ने धरती पर गिरते सेब के उदाहरण से समझाया था। पर यह शक्ति क्या है और कहां से आती है, और क्या यह संपूर्ण ब्रह्मांड में? इसे न्यूटन ने करीब 200 साल बाद अल्बर्ट आइंस्टीन ने साफ किया कि अंतरिक्ष खाली नहीं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति ब्रह्मांड में मौजूद नक्षत्रों, ग्रहों तथा तमाम तरह के पिंडों में। दोस्तों, ये तो होगी पृथ्वी गोल के बारे में जानकारी। अब जान लेते हैं पृथ्वी गोल होने के बारे में कुछ रोचक तथ्य। दोस्तों, इंसान धरती के किसी भूभाग पर खड़े होकर धरती के बारे में यह नहीं बता सकते कि धरती गोल है, क्योंकि इंसान की तुलना में धरती बहुत बड़ी है, और इतनी ज्यादा बड़ी है कि उसे हम गोल होने का बिल्कुल एहसास नहीं होता है, और हमें यह चपटी नजर आती है। दोस्तों, पृथ्वी के आकार को जानने का विचार सबसे पहले चीन में आया होगा, क्योंकि प्राचीन चीन, जिसका नाम त्यानश्या मतलब कि मध्य राज्य, जो समृद्ध, विशाल और एक राष्ट्र के रूप में विकसित था। चीन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वहां के एक सम्राट ने अपने राज्य की सीमाओं को तय करने के लिए चारों दिशाओं में अधिकारी भेजे। उन सभी को गुप्त यंत्र कुतुब नुमा अर्थात दिशा सूचक यंत्र दिए गए, जिन्हें चीन में दक्षिण सूचक कहा जाता है। कई महीनों चली इस यात्रा के अनुभवों को राजा के दरबार में साझा किया गया, परंतु कुछ प्रश्नों के उत्तर यात्रा करने के बाद भी नहीं मिल रहे थे, और लास्ट में यह मान लिया गया कि पृथ्वी का रूप सपाट है, जिसके चारों दिशाओं से खंभे द्वारा आकाश टिका हुआ है। किसी दिन एक अजनबी ने एक खंभे को मोड़ दिया होगा, इसलिए पृथ्वी का जो पूर्वी की ओर हिस्सा है वह समुद्र की ओर झुक गया है, और पश्चिमी हिस्सा पहाड़ बनकर आकाश छूने लगा है, इसलिए सभी नदियां पूर्व की ओर बहती है। चीन के बारे में यह वर्णन किसी दौर का है, इसको समझना मुश्किल है, क्योंकि दिशा सूचक यंत्र को अरब साम्राज्य की देन मानते हैं, जिसका स्वर्ण काल 800 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक चला। इसी के समकालीन चीन में बड़े बड़े जहाज बनाए गए थे, परंतु चीन में दिशा सूचक यंत्र के चलन के प्रमाण 900 ईसा पूर्व तक के हैं। इसके अलावा चीन में सर्वप्रथम सम्राट की पदवी 200 ईसा पूर्व से मानी जाती है। दोस्तों, सबसे पहले पाइथागोरस ने जानकारी दी थी कि धरती गोल है। उन्होंने बताया कि गोल सबसे सुंदर ज्यामिति आकृति होती है, और अगर पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है तो उसे गोल होना चाहिए। वैसे तो ब्रह्मांड पृथ्वी का केंद्र नहीं है। दोस्तों, एक अशिक्षित व्यक्ति से पृथ्वी के रूप के बारे में पूछे तो वह उसे सपाट बताता है। छोटा बच्चा पृथ्वी को लड्डू जैसे गोल बताता है। 15 साल का बच्चा उसे संतरे के समान ध्रुवों पर चपटा बताता है।
अगर यही सवाल विज्ञान की समझ रखने वाले व्यक्ति से पूछा जाए तो वह उसे नाशपति के समान उत्तरी ध्रुव से उभरा और दक्षिणी ध्रुव से चपटा बताता है। अगर यही सवाल एक वैज्ञानिक से पूछे तो वैज्ञानिक इस पृथ्वी के रूप को भूभाग या पृथ्वीयकार बताता है, अर्थात पृथ्वी पृथ्वी जैसी है। पृथ्वी के रूप को सर्वसंपत्ति से स्वीकार करने की कोई तिथि नहीं है, क्योंकि आज भी कुछ लोग पृथ्वी के आकार को चपटा मानते। दोस्तों, पृथ्वी गोल है, ये दावा महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने भी किया था। अरस्तु ने देखा कि ग्रहण के समय सूरज के प्रकाश से जो छाया बनती है वो हमेशा चक्राकार होती है, और ये ऐसा तभी संभव हो सकता है जब पृथ्वी और चांद दोनों ही गोल हो। अरस्तु भी पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र मानते, लेकिन वास्तव में धरती ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। आर्यभट्ट ने भी पृथ्वी के आकार को गोल बताया था और पृथ्वी की कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों का निर्धारण भी किया था। दोस्तों, विक्टोरिया नामक जहाज ने सन 1519 में पृथ्वी की एक पूरी परिक्रमा की थी। इस जहाज ने अपनी यात्रा अंटार्कटिक महासागर के एक बंदरगाह से शुरू की थी जिसका नाम सेविल बंदरगाह था, और यह जहाज पृथ्वी का एक चक्कर लगाकर वापस उसी बंदरगाह आ गया था। दोस्तों, न्यूटन ने पृथ्वी के बारे में जानकारी दी थी कि पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है बल्कि संतरे की तरह अपने दोनों ध्रुवों पर चपटी है, और यह उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज करने के दौरान बताया था। लेकिन रियल में पृथ्वी संतरे की तरह ना होकर अंडाकार है। दोस्तों, आपने देखा होगा आप पानी की बूंदें गोल होती है क्योंकि उस पर चारों दिशाओं से वातावरण का समान दबाव होता है। उसी प्रकार पृथ्वी पर भी चारों ओर से समान दबाव होता है, इसलिए धरती भी गोल होती है। दोस्तों, समुद्र में जब हम जहाजों को जाते हुए देखते हैं तो दूर जाने पर हमें एहसास होता है कि जहाज क्षितिज पर डूब रहे हैं, फिर वे अचानक अपनी आंखों के सामने से ओझल हो जाते। अगर पृथ्वी चपटी होती तो जहाज भी गायब नहीं होते। दोस्तों, इतना सुनने के बावजूद भी आपको पृथ्वी गोल होने के बारे में कुछ पता नहीं चला है तो आप ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पृथ्वी गोल है। दोस्तों, अब जान लेते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। दोस्तों, वैज्ञानिकों की माने तो अरबों साल पहले बिग बैंग के कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। बिग बैंग एक तरह का महाविस्फोट था जिसकी वजह से ब्रह्मांड में उपस्थित तमाम ग्रह और तारे बने थे। जिस समय बिग बैंग हुआ उस वक्त ब्रह्मांड में एनर्जी के पार्टिकल्स थे, और ये पार्टिकल्स ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे के चारों तरफ घूमने लगे। लेकिन उन्होंने गोल शेप ही क्यों लिया, इसके पीछे एक वजह है कि ब्रह्मांड में हर चीज़ स्थिरता की ओर बढ़ती है, और इसके लिए उसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि ज़्यादा ऊर्जा वाले सिस्टम में स्थिरता नहीं आ सकती। ये कम ऊर्जा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसको प्राप्त करने के लिए सरफेस एरिया कम होना चाहिए। अगर हम विभिन्न शेप को देखें तो सबसे पहले सरफेस एरिया गोल शेप का ही होता है, तो सबसे कम सरफेस एरिया गोल शेप का ही होता है। अब बात करते हैं कि धरती तो पूरी तरह गोल नहीं है और दोनों ध्रुवों पर चपटी है, इसके पीछे क्या कारण है। दोस्तों, कारण यह है कि सेंट्रीफंगल फोर्स जो पृथ्वी के अपनी अक्ष पर घूमने के कारण होता है, ये फोर्स धरती को अपने अक्ष से दूर धकेलता है जिसकी वजह से पृथ्वी अपने दोनों ध्रुवों पर शेप में नहीं और अंडाकार है। दोस्तों, ब्रह्मांड में उपस्थित हर वस्तु गोल है, चाहे आप सूरज को देख लो, सूरज गोल है और चंद्रमा गोल है, सौरमंडल के बाकी जो भी ग्रह वे गोल है। दोस्तों, जब आप तारे देखते तारे भी आपको दूसरे आकार के दिखते मगर तारे असल में गोल है। दोस्तों, ब्रह्मांड के ये सब ग्रह गोल है, तो पृथ्वी क्या ब्रह्मांड के बाहर की, धरती भी तो इस ब्रह्मांड का ग्रह है, तो धरती भी गोल है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर, और हमारे चैनल रहस्य टेलीविजन को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप हर ऐसे रहस्यमयी और जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले देख पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।